नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड में 660 करोड़ रुपए की कई रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी की। डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए भेजे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। मेरठ में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या 10 हुई, 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटानगर पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले इन रेलगाड़ियों को जमशेदपुर से रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित था। उन्होंने झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इससे पहले श्री मोदी आज सुबह जमशेदपुर जाने के लिए रांची हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 मकानों के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर बनाकर दिया गया। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई। इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नागपुर में रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में डिजिटल टावर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे। ये डिजिटल टावर 12 मंजिला इमारत है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त डिजिटल कक्षाएं हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद से बेहतर तरीके से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और राज्य आतंकरोधी दस्ते के बीच और अधिक तालमेल की आवश्यकता है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में उन्होंने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को कार्यरूप देने की दिशा में कार्य करने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है और संसद इसका संरक्षक है। उन्होंने कहा कि संविधान पढ़ने, समझने और सम्मान करने के लिए है। उपराष्ट्रपति ने अपील की कि राज्य के सभी अंगों को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को विकसित करने के लिए मिलकर और एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा
कि भारतीय संविधान के कारण हमारा देश दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले और महाराष्ट्र के कौशल रोजगार उद्यमिता और तथा नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो अगले दो दिन में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में अगले मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लेने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होगी। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि जब तक लोग अपना फैसला नहीं सुनाएंगे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मैंने जैसे बताया, दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले दो तीन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में शुक्रवार को श्री केजरीवाल को जमानत दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा को अपनी छवि बनाने के लिए किया गया स्टंट बताया है। मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल को पता चल गया है कि दिल्ली के लोगों के बीच उनकी छवि अब एक ईमानदार नेता की नहीं रही। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। शहर की जाकिर कॉलोनी में कल एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। राहत और बचाव कार्य आज सुबह पूरा हो गया और मलबा हटा दिया गया है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया घटना के समय इमारत में 15 लोग थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल सहित राहत दलों को मलबा हटाने के लिए लगाया गया था। महाराष्ट्र के धुले जिले में सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना 2 वाहनों के आमने सामने की टक्कर से हुई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों का धुले के अस्पताल में उपचार चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने कोलकाता में राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ताजा स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेगी। सीबीआई ने इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को कल गिरफ्तार किया। सीबीआई ने संदीप घोष को पहले संस्था में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से इस महीने की 17 तारीख तक ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोलकाता के अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को भयानक बताया। इस मामले के कारण देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा छा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल के गठन का आदेश दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में आज बहुत तेज वर्षा और अचानक बाढ़ आने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में मंगलवार तक बहुत तेज वर्षा हो सकती है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग के अनुसार कल पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा होगी। विभाग ने बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड के कई इलाकों और पड़ोस में अचानक बाढ़ आने की भी संभावना व्यक्त की है। मछुआरों को कल सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। दुबई में कल रात भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। संयुक्त अरब अमीरात के उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए ये पुरस्कार दिए गए। एक रिपोर्ट। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, स्वास्थ्य देखभाल और कला जैसे क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को 30 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारतीय राजदूत संजय सुधीर की पत्नी वंदना सुधीर ने आत्मनिर्भर बनकर अपना विकास करने वाली भारतीय महिलाओं का उल्लेख किया। मुख्य अतिथि और बॉलीवुड अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने एक दूसरे की सहायता करने वाली महिलाओं के अधिकार और प्रामाणिकता के बारे में बातचीत की। भारतीय महिला दुबई की संस्थापक रीमा महाजन द्वारा आयोजित इस पुरस्कार समारोह में एक दूसरे की सहायता से सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं की शक्ति को उजागर किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण और समुदाय निर्माण के आह्वान के साथ इस समारोह का समापन हुआ। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। केरल में आज ओणम त्योहार का सबसे पवित्र दिन तिरुवोणम मनाया जा रहा है। ये राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है जिसे केरलवासी हर्षोल्लास से मनाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अपने संदेश में कहा है कि यह त्योहार केरल की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को मनाने का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ओणम त्योहार परंपराओं के जरिए समुदायों को एक सूत्र में बांधता है। ये त्योहार सद्भावना और समर्पण जैसे मूल्यों से निहित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि विश्व में मलयाली समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ ओणम मनाते हैं। आज अभियंता दिवस है। महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए सर विश्वेश्वरैया के योगदान का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति, नवाचार और चुनौतियों से निपटने में अभियंताओं का योगदान सराहनीय रहा है। श्री मोदी ने अभियंता दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभियंता देश के विकास, नवाचार और प्रगति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वो अपने महत्वपूर्ण योगदान से देश का भविष्य संवारते हैं। श्री अमित शाह ने भारत रत्न से सम्मानित सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी बहुमूल्य विरासत भारत का भविष्य बनाने में अभियंताओं को प्रेरित करती रहेगी। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल नीरज ने 87.86 मीटर तक भाला फेंका। नीरज केवल 1 सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने जीता। जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे। यह लगातार दूसरा मौका है जब नीरज डायमंड लीग में उपविजेता रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज कई जानी मानी हस्तियां भाषाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड में 660 करोड़ रुपए की कई रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी की। डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए भेजे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। मेरठ में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या 10 हुई, 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।